आखिर क्यों जापान सालों से 1000 टैंक के अंदर करीब 1.3 बिलियन लीटर को स्टोरेज करके रखा हुआ है, जिसके मेंटेनेंस में करीब उसको $1 बिलियन प्रत्येक वर्ष खर्च करने पड़ते हैं, यानी मानिए 75,000,00,000 करोड़ रुपए। इतने रुपए खर्च क्यों करता है, इसको पानी को क्यों स्टोरेज करके रखा हुआ है, इसके पीछे एक घटना है, जापान रिंग ऑफ पैसिफिक फायर में आता है। इसी के अंदर 2011 में वहाँ पर एक अर्थक्वेक आया था, जिसकी वजह से जो समुद्र का सी लेवल फूकी सीमा में उसका वहाँ पर एक न्यूक्लियर रिएक्टर था, जैसे ही पानी उसमें एंटर किया उस न्यूक्लियर रिएक्टर में वो फट जाता है, और जो भी न्यूक्लियर मटेरियल उस पानी के साथ मिक्स होकर के जैसे ही बाहर की तरफ फ्लो करता है तो बहुत सारे देश के लोग जो होते हैं वो कंसर्न हो जाते हैं, क्योंकि इसकी ह्यूमन जाति के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता था। इसी के चलते उस पानी को जापान ने पूरे पानी को स्टोरेज कर लिया ताकि उसके न्यूक्लियर जो मिक्स हो गया उसमें उससे बचाया जा सके। जैसे ही अगर ये पानी समुद्र में फैल जाता तो मछलियों द्वारा ये पानी मछलियों के अंदर जाता और मछलियों को ह्यूमन कंज्यूम करते तो ह्यूमन चेन के अंदर पूरा मानव को पूरी विकलांग बना देता। तो इसके पीछे इतना बड़ा रहस्य, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए।